नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ. देखो अलग अलग किस्म के बॉन्ड होते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है. अलग अलग किस्म के बॉन्ड होते हैं, ठीक है. अभी हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे. तो जो दो एटम्स ने मिलकर बॉन्ड बनाया, एक एटम कौन सा? ए. दूसरा एटम कौन सा? बी. एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, जो भी हो. इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया. इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम क्या कहा करते हैं? बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स. दोनों जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जिन दो एटम्स ने मिलकर क्या बनाया है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोला करते हैं? बॉन्ड लेंथ. बोलो. दोनों एटम्स जिन्होंने मिलकर बॉन्ड बनाया है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है साहब बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई. सो ये बॉन्ड लेंथ है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है. पहले तो लिख लीजिए फटाफट से. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स Distance between centers of both the bonded atoms. दोनों जो bonded atoms हैं उनके centers के बीच के distance को हम बोलते हैं bond length. बना लीजिए जो बना हुआ है, ठीक है भैया. तो यह है bond length. अब हमें बात करनी है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बंद लंबाई के क्रम के बारे में हम बात करें, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के बारे में हम बात करें भैया, तो एक नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? बढ़ती है. ऑब्वियसली एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बोलो, ठीक है. तो लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. एज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इज इंक्रीज्ड, एज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इज इंक्रीज्ड, एज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इज इंक्रीज्ड, as size of bonded atom is increased, bond length is also increased. As size of bonded atom is increased, bond length is also increased. लिख लिया. जैसे example के तौर पे हम देखें, ये एच एफ बॉन्ड छोटा है, एस सी एल बॉन्ड क्या है? बड़ा है. एच बी आर, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी. आपको मालूम है फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा कौन है? तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, यू कैन सी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है. अरे ग्रुप में जब नीचे आता हूँ तो एटम का साइज बढ़ता है कि नहीं? Yes, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा सब बंद लंबाई बढ़नी है, सीधी सीधी बात है. यू लिसन, ये देखिए, ठीक है. जैसे मैं अगर बात करता हूँ अमोनिया में, ये बॉन्ड छोटा है, यहाँ फास्फोरस के बारे में बात करूँ तो बॉन्ड बड़ा हो गया. आर्सेनिक में बात करूं, एंटीमनी में बात करूं, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा
बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। नाइट्रोजन तो वड्डा होना, फास्फोरस उससे वड्डा होना, भाई आर्सेनिक बिस्मत और एंटीमनी और बड़ा होना। बिस्मत के बारे में बात करूँ तो वो तो रेडियो एक्टिव है, अदरवाइज और बड़ा होना है। से जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है बंद लंबाई भी बढ़ती है, समझे? करिए, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? पढ़ेगी। बोलो, ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? कर लिया। एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए ये बात? दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। मल्टीपल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? छोटा। पहला रूल तुमने देखा, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। दूसरी, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? मेरे कहने का मतलब क्या है जरा देखना। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड और भी क्या होगा? बोलो। समझ में आया है नहीं यार? दूसरा रूल लिखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। समझ गए? अरे बोलिए। मल्टीपल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? छोटा। इसको तुम यूँ समझो कि एक बॉन्ड था तो बॉन्ड बड़ा था, दो बॉन्ड बने तो पास आ गए, और तीन बॉन्ड में बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं भैया, तो दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। अच्छी बॉन्डिंग हो रही है ना भैया? इसे दूसरी भाषा में समझते हैं हम। यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है सर sp3। सर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत लॉलीपॉप तरीका बता चुके हैं आपको। अगर कार्बन चार को से जुड़ा तो sp3 होता है, तो sp3 है। यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मगर यहाँ क्या है? बोलो, है या नहीं है? मल्टीपल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। बोलो। दिस यू कैन अंडरस्टैंड इन अदर लैंग्वेज। एथे कार्बन द हाइब्रिडाइजेशन sp3 हैगा तो एथे sp2 हैगा तो एथे की हैगा। हम सुनो भाई,
यहाँ एस का परसेंटेज निकालना, परसेंटेज इसको बोलते हैं एस करेक्टर कितना है। तो एस करेक्टर कितना है, एक एस और तीन पी कुल मिलाकर चार, मधुसूदन समझो पहले, एक एस और तीन पी कुल मिलाकर चार, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है एस, तो टोटल चार थे, चार में से एक एस, तो सौ में से कितने, समझ में आया कि नहीं आया। और एक एस है तीन पी है कुल मिलाकर चार है, तो चार पर एक एस, तो तीन सौ पर कितना होगा 25। यहां एक एस और दो पी तीन पर एक, तो सौ पे कितना 33%। अभी वो बैठा नहीं कृष्ण, तो बोलता वो 33.3 लिखो सर, बोला था उसने एक बार तुम्हें ध्यान, वो 66.67 कुछ आया था, तो वो 66 लिखा था मैंने, याद रहता है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कौन सी चीज़ मैंने कहा रखी थी, लेकिन ये सब चीज़ें तो याद रखता हूँ मैं। है इधर एस और पी क्या होगा भैया, कहो ठीक है। अभी एस का कैरेक्टर 25 है सर, तो पी का कैरेक्टर कितना आएगा बाकी का बचा हुआ, कहो ठीक है। तो जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है, बड़ा लाजमी है कि पी का कैरेक्टर क्या होगा जनाब, कम होगा, और अगर एस का कैरेक्टर कम होगा तो पी का कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे कहो ना, अभी आपको मालूम है एस और पी में से ज्यादा न्यूक्लियस के पास में ज्यादा क्लोज, उसके ज्यादा नियर कौन होता है, एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपेरिजन ऑफ पी। अरे बोलो यार, एस जो है ना, एस ये न्यूक्लियस के क्या होता है, तो ये साइज को कम करने का काम करता है, ये साइज को क्या करेगा। और अगर तुम पी के बारे में बात करो, किसके बारे में भाई, अगर तुम पी के बारे में बात करते हो तो पी जो होता है वो न्यूक्लियस से अवे होता है रे। अरे बोलो, तो ये साइज को क्या करता है, अर्थात जैसे जैसे पी का कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटेगा। कहो, जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे साइज घटता है, और जैसे जैसे पी का कैरेक्टर बढ़ता है जनाब वैसे वैसे साइज क्या होता है, बढ़ता है। अरे बोलो, एज द पी कैरेक्टर इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस, एंड एस कैरेक्टर इंक्रीजेस साइज सप्रेस डाउन होता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज घट रहा है कि नहीं, आपके समक्ष आपके सामने आप देख लो, इत्मीनान से देख लो, देख लो आप, ऐसे ही कुछ हो रहा है। जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ेगा साइज को वो घटाता जाएगा, और पी का कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ाएगा, आप दोनों में से। भाई एक सिंपल सी बात है सर, सिंगल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है, अरे ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ये बॉन्ड ही तो है जो इनको पास में ला रहा है, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा पास में आएंगे भैया। दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है, अर्थात साइज को कम करने वाले का कैरेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। बोलो ठीक है। तो यू कैन से इन अदर लैंग्वेज, इधर यू से सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन मल्टीपल बॉन्ड, और यू कैन ऑल्सो से इन अदर वर्ड्स, एज एस कैरेक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज, एज एस कैरेक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। बोलो, लिख लो भैया, एज एस कैरेक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है भैया,
लिख लिया है कि लिख लिया है? एज एज कैरेक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज, एज पी कैरेक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। शिवम सिंह रघुवंशी लिख लिया है? जो मैंने बोला वो लिख लिया है? यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? यहाँ पर क्या? यहाँ पर क्या? आप देख लो तीनों ही बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने तीनों बार। ओए एथे बॉन्ड कितने बीच है भाई? एथे भी तो एथे भी बोलो बड़ा। इधर पढ़ ले यार, इधर पढ़ ले। यहाँ एस का कैरेक्टर कितना? पन्नास। अरे बोलो एथे पी कैरेक्टर कितना आएगा? आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? घटेगी। नहीं आया समझ में? जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। बोलो yes, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? सर जैसे जैसे एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है, यू सी ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये भी और ये भी, लेकिन वहां बॉन्ड बड़ा है क्योंकि वहां पी कैरेक्टर ज्यादा है। जब पी कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। और जब एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? समझ गए? डन। तो बॉन्ड लेंथ एटम का साइज बढ़ने पर बढ़ती है, एस कैरेक्टर बढ़ने पर घटती है। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। ठीक है भैया, नाउ वी टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी। मैंने आंखें बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं भैया। महिमा गरिमा में से कुछ कुछ बोला, कुछ क्या बोली, कुछ कहा तुमने? हम बात कर रहे हैं अभी किस बारे में भैया? बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भैया? जब कभी आप दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो, ये दो एटम्स हैं, इनके दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को आपने क्या करा? तोड़ा। दो एटम्स के, अरे सुनो सुनो सुनो, दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को आपने तोड़ा और दोनों को अलग कर दिया। दोनों को आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और अलग कैसे स्टेट में करा? गैशियस स्टेट में। देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, आपने उन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद दोनों को कौन सी स्टेट में अलग कर दिया? अलग करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोला करते हैं? बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअली में ये बॉन्ड एनर्जी नहीं होती, ये होती बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों को सेम लेकर चलते हैं, वरना अगेन आई रिपीट, बॉन्ड एनर्जी अलग होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होती है। सिंपली दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़कर आप उन दोनों को गैसियस स्टेट में, गैसीय प्रावस्था में अलग करोगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू रिक्वायर, दैट एनर्जी यू कॉल एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, लिखिए।
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड टू सेपरेट दम इन गैशियस फेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड टू सेपरेट दम इन गैशियस फेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड टू सेपरेट दम इन गैशियस फेस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या हुआ शिवम सिंह, आपने कुछ कहा? क्या बोल रहे हैं जॉडी, क्या बोल रहे हैं? ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड टू सेपरेट दम इन गैसियस फेस। दो परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, दोनों को आपने गैसीय प्रावस्था में अलग करा, जितनी एनर्जी आपको लगेगी उस एनर्जी को आप क्या बोला करोगे? बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड। ठीक है, एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं इसको। बॉन्ड एनर्जी अलग होती है, क्या होती है एग्जैक्टली समझना। जैसे ये तुम्हारे पास में कार्बन है, इसके साथ में चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बोलिए, चार हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऑब्वियसली ठीक है, आप चारों बॉन्ड को तोड़ोगे। आपने पहले बॉन्ड को तोड़ा, सपोज करो इसको तोड़ने में आपको एक्स एनर्जी लगी, ये कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने में एनर्जी लगी एक्स, ये क्या कहलाएगी सार्थक? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर मैं दूसरे बॉन्ड को तोड़ता हूँ, इसको तोड़ने में मुझे एनर्जी लगी, ये वाली बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर इसको तोड़ा मैंने, इसको तोड़ने में मान लो लगी कितनी जड़, वो इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसको तोड़ने में मान लो सपोज कर लेते हैं अपन ए, तो वो इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अंडरस्टूड? चारों बॉन्ड को तोड़ने में आपको अलग अलग एनर्जी लग रही है। पहले बॉन्ड को तोड़ा, पहले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी एक्स, दूसरे को तोड़ने में लगी वाई, तीसरे को तोड़ने में लगी जेड, चौथे को तोड़ने में लगी ए। तो ये उनकी इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अरे बोलो, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। इन चारों को जोड़ दो, और इन चारों को जोड़कर ये इनकी इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। चारों को जोड़ा, चार से डिवाइड कर दिया, उन सबका जो एवरेज होगा, उन सबका जो, दिस वी कॉल एज बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। जितनी अलग अलग बंद वियोजन ऊर्जाएं थी भैया, उन सबका औसत, उन सबका मीन, उन सबका माध्य, उन सबका एवरेज क्या कहलाता है? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का सिग्निफिकेंस समझ में आया क्या है? फॉर द सेक ऑफ आर सिंप्लिसिटी विद देम, वी यूज टू कंसीडर देम एज सेम, अदरवाइज द टू आर डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज। पहले बॉन्ड को तोड़ोगे एनर्जी कुछ लगेगी, दूसरे को तोड़ोगे कुछ लगेगी, ज़्यादा लगेगी कम लगेगी वो बात की बात है, पर लगेगी कुछ डिफरेंट, भले माइन्यूट सा डिफरेंस ही क्यों ना हो। और उन सब का औसत जब ले लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड वी आर गोइंग टू सेपरेट दम इन गैशियस फेस ओनली, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर, उसे हम क्या बोलते होते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यूरिंग डिसोसिएशन, ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग ब्रेकेज ऑफ ए बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
जब आप बंध को तोड़ते हो तो तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसे बोलते हो बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है भैया, आती मेरे को हिंदी? 12वीं तक मैं हिंदी का ही, हिंदी मीडियम का ही प्रोडक्ट रहा हूँ यार। है कर लिया? तो ये अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अंडरस्टूड? ठीक। अब हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो अब हमें इसकी ऑर्डर पढ़नी है, कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम, कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी दो तरह की, एक अभी तुमने देखी जैसे यहाँ ये दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड था, इनको सेपरेट करा कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में। व्हेन यू आर सेपरेटिंग देम बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, आपने जब उन दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग कर दिया, जब आपने उन दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग कर दिया तो इसको बड़े बुजुर्ग बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। ये कौन सा डिसोसिएशन होता है? होमोलाइटिक। अरे बोलो। व्हेन दे आर सेपरेटिंग बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन, परंतु जब आपने कैसे अलग करा कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, यहां कैसा डिसोसिएशन किया गया था सर? होमोलाइटिक। और यहां कैसा? सुनाई कम पड़ता है मेरे को, हाइड्रोलाइटिक। ठीक है, तो एक है होमोलाइटिक और एक है हाइड्रोलाइटिक, दोनों में से ज्यादा कौन सा, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी आपके हिसाब से? हेट्रोलाइटिक में बॉन्ड तो दोनों केस में तोड़ा है, पहले केस में जो तोड़ा तो न्यूट्रल एटम्स को सेपरेट करा, और दूसरे केस में जब सेपरेट किया तो अपोजिटली चार्ज आयन्स को सेपरेट किया, देयर वाज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड आई एम सेपरेटिंग देम अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो नेचुरली आई विल नीड टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। से मुझे एनर्जी कैसी लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ हेट्रोलाइटिक वाली जो होगी वो वड्डी होनी है इससे। ठीक है भैया, तो लिख लीजिएगा हेट्रोलाइटिक वाली क्या होगी, कहो। हाँ जी, तो होमोलाइटिक बॉन्ड की और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड में किसकी ज्यादा रहेगी? अरे सीधी बात है ना सर, होमोलाइटिक में आपने केवल एटम्स को सेपरेट करा और हेट्रोलाइटिक में क्या करा? आयन्स को सेपरेट करा। ठीक है, और एक बात तो मेरे को पहले से पढ़ा दी गई थी कि सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड की क्या होती है, ये तो हम पहले जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज में कम होती है। बोलो, कर लिया भैया? क्या नाम तुम्हारा? अथर्व गुप्ता। और एक नॉर्मल, एक जनरल फंडा बता रहा हूं मैं आपको भैया, जनरली ये देखने में आता है कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो उतना ही वीक होगा, जितना वो उतना ही क्या होगा, लार्जर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, और अगर वीकर बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और अगर स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी इज मोर। तो समराइज मैनर में अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहूं, आई कैन से दैट बॉन्ड एनर्जी वेरीज
इनवर्सली विथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड वीक, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बोलो नहीं आ समझ में? तो बस सब समझ में आ रहा होगा मुझे मालूम है अभी भैया, समझना ठीक है, जितनी मन में बद्दुआ देनी दो पर समझते रहना, उससे मेरा नुकसान नहीं होगा तुम्हारा ही होगा। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के कैसे वेरी कर रही है, क्यों इनवर्सली वेरी कर रही है? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लंबा है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड लंबा है बॉन्ड वीक है, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड एनर्जी समझे? लिख लो ये। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के कैसे वेरी करती है? इनवर्सली। जहां बॉन्ड बड़ा होगा वहां बॉन्ड वीक होगा, जहां छोटा बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अरे बोलो ना, बहुत अच्छा समझ में आया तुम्हारे। इसलिए मैं बोल सकता हूं अगर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बोला जाए तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, बॉन्ड छोटा था बॉन्ड स्ट्रांग था, बॉन्ड बड़ा हो गया वीक हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया और वीक हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया और वीक हो गया। अरे बोलो, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने यही लिख दिया तुम अलग से लिखोगे, मैंने लिख दिया तुम अलग से लिखोगे। हाँ मैं बता दूँ तुम्हारे को ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर बाद में तुमने किसके लिए कौन सा ऑर्डर लिखा है। अरे कर ले कर ले कर ले, करो भैया करो, फिर मुंह फुला के बैठे रहो जी। नॉर्मलाइज, ओए नॉर्मल फैक्ट है कि बॉन्ड जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ओए बॉन्ड जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रांग, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। बोलो ना यार, कहो नहीं आ समझ में? कर लिया। इसको दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है भैया? 32 दुबई कम हो रही है, ठीक है। अरे बोलो ना, वो सॉरी बढ़ रही है, बढ़ रही है। एज एस करैक्टर इज इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज, लिख लिया ये। As S character is increased, bond energy is increased. उम्मीद भरी निगाहों से कर लिया भैया। जैसे जैसे S character बढ़ता है वैसे वैसे bond energy क्या होती है? बढ़ती है। अरे बोलो, यहाँ आप एक बात देखो कि जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, और आपको एक जनरल फैक्ट मैंने बताया कि साहब बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ का क्या करती है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ऑलवेज, मैंने क्या बोला यहाँ पर? जनरली। और ऐसा इसलिए बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये जो ऑर्डर तुमने लिखा है ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता, हैलोजन्स में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। करिए क्रॉस जरा इसको, बॉन्ड लेंथ में एक्सेप्शन नहीं था, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड लेंथ में तो सही था पर काहे में नहीं है? बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड एनर्जी में मैं क्या सोच रहा था, बॉन्ड एनर्जी में मैं क्या सोच रहा था जरा समझना हो। ओए बॉन्ड एनर्जी में मैं क्या सोच रहा था कि साहब फ्लोरिन फ्लोरिन बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड वीक होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड और वीक होगा, और आयोडीन आयोडीन बॉन्ड तो सर बहुत वीक होगा।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, पर एक्चुअली में क्या होता है बेटा जी, ये जो फ्लोरीन के दो एटम्स है ना, ये फ्लोरीन का एटम और ये दूसरा फ्लोरीन का एटम, ये दोनों फ्लोरीन के एटम जो है ना, ये दोनों ने जब मिलकर बॉन्ड बनाया, ये दोनों मिलकर जब बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन है गए, सात इलेक्ट्रॉन है, खूब डेंसर हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपल करते हैं। माना ये बॉन्ड सबसे छोटा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉन्ड बड़ा हो गया, बॉन्ड छोटा ही है, लेकिन चूंकि फ्लोरीन के दोनों परमाणु एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपल करते हैं, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डेंस, बहुत सघन है, तो दे आर रिपेलिंग इच अदर वेरी स्ट्रांगली, और इसी कारण से क्या होता है, दोनों भले एक दूसरे के पास में हैं पर दोनों में वो प्यार नहीं, दे एक्चुअली वो जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रेनफुल है, वो स्ट्रेंड है काफ़ी, उसमें काफ़ी ज़्यादा दुर्बलता है, और इसी कारण हम सोचते थे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा मिलेगा, हमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा नहीं मिलता, एक्चुअल ऑर्डर जो मिला करता है भैया, जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान देना, क्लोरीन में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन में कम, फ्लोरीन में कुछ और आयोडीन में ये, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सर फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड इज द स्मॉलेस्ट वन अमंगस्ट ऑल द फोर हैलोजन्स, सो वो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, लेकिन हुआ क्या, फ्लोरीन के परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड छोटा है लेकिन वो सात इलेक्ट्रॉन बहुत डेंस हो गए, इसलिए उनमें रिपल्शन बहुत बढ़ गया, इसलिए उतनी स्टेबिलिटी आपको, उतनी स्ट्रेंथ आपको, कुछ आपको याद आ रहा हो धुंधला धुंधला से, ऐसे ही कुछ और भी कहीं पढ़ा था आपने, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एफिनिटी में भी अपन सोचते थे फ्लोरीन की ज़्यादा होगी पर ज़्यादा क्लोरीन की मिली, उसमें ऑर्डर था क्लोरीन फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, यहाँ ऑर्डर ये, बोलो, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है कि इस ग्रुप में अगर सबसे स्ट्रांग बॉन्ड अगर देखा जाए तो वो क्लोरीन का है जो मैं नहीं सोच रहा था, और सबसे वीक आयोडीन का है जो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आयोडीन का सबसे वीक होगा, ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो मैं फ्लोरीन का सोच रहा था वो ना मिलता, वो मुझे किसका मिला, क्लोरीन का, बोलो, क्या इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भैया, रिपल्शन हो रहा है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर स्ट्रांगली, ठीक, सात सात इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह में भी हैं पर वहां काफी दूर हैं, इसलिए उतना रिपल्शन ऑफर नहीं आ समझ में, सात इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह में भी थे पर वहां एटम का साइज क्या था, बड़ा था, तो वहां उतना रिपल्शन नहीं मिल पाता, ठीक। चलिए बॉन्ड लेंथ देख चुके हैं, बॉन्ड एनर्जी देख चुके हैं, अभी अपन किस बारे में बात करेंगे, बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखिए कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स, लिसन, ये सेंटर एटम है एक्स और इसका ये सराउंडिंग एटम्स है वाई, लिसन, ये क्या है, बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को यार, दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, दिस एंगल वी कॉल एज बॉन्ड एंगल। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये फिक्स नहीं होते, ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या करते रहते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में रहते हैं, और ऑर्बिटल मतलब जैसे क्या, बादल है, अब जहाँ बादल है वहाँ पानी हो, बरसात होगी होगी, जरूरी नहीं है भैया, कई बार खूब घने एकदम काले काले बादल हो जाते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, बरसात कहीं और हो जाती है, ऐसा होता है भैया कि अपने गेट के अंदर तक बरसात हो रही है बाहर बरसात नहीं हो रही, ऐसी स्थिति भी कई बार निर्मित होती है। एनीवेज तो ये जो बॉन्ड्स हैं दे डू नॉट कीप दम सेल्फ फिक्स्ड, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, ये क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल भी लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है, दैट एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग, वो एंगल क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो हम जो जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका एवरेज लेते हैं, हम क्या लेते हैं, उन सबका एवरेज, ठीक है, वी टेक देयर एवरेज। सो व्हाट बेसिकली अगर मैं बोलूं तो बॉन्ड एंगल क्या, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, दो आसन्न बंधों के बीच का जो कोण होता है भैया उसे बंध कोण कहा जाता है, ठीक है, तो दैट वी कॉल एज बॉन्ड एंगल। एक्चुअली बॉन्ड एंगल, आई अगेन रिपीट, ये जो बॉन्ड्स है ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, हमें कौन सा एंगल लेना है,
एवरेज, मान लीजिए 60 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, तो वी टेक एवरेज ऑफ देम, दैट वी कॉल एज बॉन्ड एंगल. लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल. एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल. एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल. दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल वी कॉल एज बॉन्ड एंगल. ठीक है, ये बॉन्ड एंगल लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. पर हम क्या करते हैं, जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं उन सबका क्या लेते होते हैं, बना लीजिए फटाफट फटाफट से जल्दी से. दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम क्या कहा करते हैं, बॉन्ड एंगल. और अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के बारे में बात करनी है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखें. लिसन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, आप जानते हो sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट. sp2 में कितना होता है और एथे कितना होना है? सर वहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट या 120 डिग्री या 180 डिग्री, बोलो. यदि यहाँ पर s का करेक्टर निकालो तो कितना आता है? और p का करेक्टर यहाँ क्या आ रहा है, 75. यहाँ यहाँ, ठीक है भैया. आप क्या देख रहे हो, आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे s का करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को. जैसे जैसे s का करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बढ़ना है. s होती है बॉल, s होता है स्फेरिकल, थोड़ी गब्दू गब्दू सी जगह होती है, तो इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू गेट ऑक्यूपाइड. s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, थोड़ा मोटा ताज़ा होता है, वो तरबूज है बड़ा. और जो p ऑर्बिटल है वो बेचारा डंबल होता है, डमरू के आकार का होता है, वो लोकी होता है, वो पतला दुबला पतला सा होता है वो. अरे कहिए, तो s ऑर्बिटल को ज़्यादा स्पेस चाहिए ना, तो इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा. p ऑर्बिटल को कम स्पेस चाहिए इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम आएगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ जैसे जैसे s का कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे s का कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल. समझ में आई बात? आप देख लो, हम कल बात कर चुके हैं इस बारे में, जब आपको ख़तरनाक तरीके से भूख लग रही थी, छुट्टी कराने की इच्छा कर रही थी उस समय, कि भैया s का कैरेक्टर निकालना देखा था हमने कल, और p का भी. भैया तो जैसे जैसे s का कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बोलिए, तो लिख लीजिएगा, एज s कैरेक्टर इज इंक्रीज, As S character is increased, bond angle is also increased. As S character is increased, bond angle is also increased. As S character is increased, bond angle is also increased. लिखिए. As S character is increased, bond angle is also increased. लिख लिया. दूसरा, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है भैया, कई बार हाइब्रिडाइजेशन सेम है. जैसे आप देखिए ये CH4, जैसे आप देखिए ये अमोनिया, जैसे आप देखिए ये वाटर. गौर करिए, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सुनाई कम पड़ता है ना मेरे को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सर, सब में बोलो है, सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. तो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, परंतु यहाँ बॉन्ड एंगल आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ कितना आ रहा है,
107 और यहाँ कितना आ रहा है 105। फिर आपने बोला सर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सर आपकी बात समझ में आ गई मेरे को, आपकी बात समझ में आ गई मेरे को, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है सर, समझ में आया। एस मोटा ताज़ा होता है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है सर, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो रहा है? तो यहाँ आप देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है सर, नंबर ऑफ लोन पेयर से। यहाँ कितने लोन पेयर है? यहाँ और यहाँ, यहाँ जीरो लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ दो लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो जैसे जैसे लोन पेयर्स की संख्या बढ़ती है बॉन्ड एंगल क्या होता है? VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही तो बोलती है भैया कि जब लोन पेयर आ जाती है तो शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। से सो क्या पाया आपने कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता जाता है। बोलो समझ गए? लिखिए, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम विथ देन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम then with increase in number of lone pairs bond angle is decreased। सबसे पहले मैंने hybridization को change किया तो देखा मैंने bond angle में क्या change आया, फिर hybridization same रखते हुए bond angle को change किया, lone pairs को change किया तो bond angle में क्या change आया? बोलो ना यार। ठीक है, अब अगर इधर गौर करना, इन सब में देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब में सेम है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का लॉलीपॉप तरीका तुम्हारे को मैंने बता रखा है भैया, हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है। और यहाँ पर लोन पेयर भी सब में सेम है, यहाँ पर भी एक एलपी, यहाँ पर भी एक एलपी, यहाँ पर भी एक एलपी और यहाँ पर भी एक एलपी, फिर भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या मिलता है मालूम? ये मिलता है। यहाँ मिलता है आपको 107 डिग्री और यहाँ तो पहुँचते पहुँचते तकरीबन 90 डिग्री मिल जाता है, 90 डिग्री मिल जाता है मतलब यहाँ तो ऐसी पिक्चर बनती है कि ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट बाउंड एंगल कितना है वो मुझे याद नहीं है और ना मुझे याद करने की ज़रूरत है, अमोनिया में मुझे याद करने की ज़रूरत है 107 डिग्री होता है। से अब कहानी क्या बनी मालूम कि भैया जैसे जैसे आप देख लो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, भाई सबसे पहली बार तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन सेम रख के लोन पेयर की संख्या में चेंज आए, इस बार वो भी सेम हो गया। अब क्या है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भैया पांडे, घट रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। हेयर दैट बॉन्ड एंगल कम्स अराउंड 107 डिग्री एंड आई डू नॉट नो व्हाट अबाउट दिस टू बट दैट इट कम्स क्लोजर टू द 90 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट यू फाइंड, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वैसे वैसे क्या है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। समझ में आ रही बात? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ एलपीज भी क्या है,
सबसे पहली बार तुमने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन को सेम रखकर नंबर ऑफ एलपीज चेंज करी, तीसरी बार तुम्हारे पास में क्या अर्शद, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम एलपीज भी सेम, क्या हो रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ लोन क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? वन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एलपीज रिमेन सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एलपीज रिमेन सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एलपीज रिमेन सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ एलपीज रिमेन सेम, देन विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, देन विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एलपीज रिमेन सेम, देन विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड। जैसे जैसे भैया सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसके पीछे हम टेक्निकल रीजन समझ सकते हैं। लिसन, सुनिएगा प्लीज, यहां देखो नाइट्रोजन, ये अमोनिया का केस, फिर आया फास्फोरस, जरा दिमाग लगाइए, बॉन्ड लेंथ के बारे में तो हम कई चर्चा कर चुके हैं, है ना? और इसके बाद में कौन आया? होता क्या है सर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फास्फोरस से, उसकी ज़्यादा है आर्सेनिक से, उसकी ज़्यादा है एंटीमनी से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इट्सेल्फ, बोलो, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहा करते हैं? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा क्लोज आ गई इसके, और ज़्यादा क्लोज आ गई तो क्या होगा? ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगी, डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होता है, यहाँ रिपल्शन रिलेटिवली क्या होता है? कम काहे हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो ये उतना पास में आ नहीं पाएगी, डेंसिटी उतनी ज़्यादा आ नहीं पाएगी, रिपल्शन उतना आ नहीं पाएगा, ठीक है? यहाँ हमारे पास में क्या है? एक मिनट, मैं गलत कह रहा हूँ तुम्हारे को, यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड एंगल क्या है? ज़्यादा है ना, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, हाँ ठीक तो है यार, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ रिपल्शन क्या होगा? तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन रिलेटिवली क्या हो गया? तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया? यहाँ और कम हो गया, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, तो रिपल्शन इज डिक्रीजिंग, सो दैट बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग, और उत्थे क्यों होना है भाई? रिपल्शन और कम हो जाएगा, हाँ जी, और रिपल्शन कम हो जाने के कारण बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा उन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। सो हेयर इन दिस पिक्चर रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर दिस वन,
विच डोमिनेट्स ओवर दैट वन. भाई यहाँ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा है प्रेवंश, वहाँ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्शन कम है, यहाँ डेंसिटी और कम है किशम, और यहाँ क्या है और भी कम से. ठीक है, तो समरी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है घटता है. सेंट्रल एटम की, कौन से एटम की? सेंट्रल एटम की. अब यहाँ मसला समझ लेना, सेंट्रल एटम की बोला है और ये सारी बातें तब हो रही है जब लोन पेयर है और उनकी सेम तो है और उनकी लोन पेयर है. बाई चांस अगर ऐसे एग्जांपल लेता जिसमें लोन पेयर ही नहीं है, जैसे CH4 SiH4 कार्बन का आपने लिया CH4 उदाहरण के तौर पर, ये देखो तुम अगर, तो यहाँ क्या CH4 फिर कौन SiH4 फिर कौन यहाँ बॉन्ड एंगल सब में क्या आएगा सेम आएगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सबका sp3 है और सब में लोन पेयर भी क्या है जीरो है. तो सर आपने तो बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन सेम रहे लोन पेयर सेम रहे तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर बॉन्ड एंगल घटता है, आपने तो ये बताया था. पर वो सारी बात तो तब आएगी ना जब लोन पेयर, जनाब वहाँ लोन पेयर है ही नहीं तो फिर काहे की VSEPR थ्योरी. VSEPR थ्योरी कम्स इन टू प्ले व्हेन देयर इज अ लोन पेयर. अल्टीमेटली दैट डिस्टॉर्शन इन शेप, अल्टीमेटली दैट डिपार्चर फ्रॉम बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल टेक्स प्लेस व्हेन मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन और मोर देन वन लोन पेयर. अगर लोन पेयर ही नहीं है तो काहे की VSEPR थ्योरी गई तेल लेने. वो बात भेजे में जा रही है या नहीं जा रही है भैया? रोहन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ LPs भी सेम है, बशर्ते वो लोन पेयर क्या रहे हैं नॉन जीरो. ठीक है, तो एज डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑकर्स बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस. बोलो, और तुमको तो सेंटेंस बोला सेंटेंस रट्टा मार लो और तुम्हें कॉपी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है. कर लिया, बोलिए. उसके बाद सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन सेम करके नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज करी, तीसरी बार हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रखा लोन पेयर भी सेम रखी, क्या चेंज करा? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करी. अरे बोलो ना यार. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये PF3, ये PCl3, ये PBr3 और ये. अब इस बार क्या करा मैंने मालूम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, सब में सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस. अरे बोलो ना. सबसे पहले तुमने हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया, दूसरी बार हाइब्रिडाइजेशन सेम रख के नंबर ऑफ LPs चेंज करी, तीसरी बार नंबर ऑफ LPs भी सेम कर दिया आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की चेंज करी, इस बार वो भी सेम कर दिया, क्या चेंज किया आपने? सराउंडिंग एटम को चेंज किया. तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है बढ़ता है. जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है बढ़ता है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रखा है तुमने, नंबर ऑफ LPs भी क्या रखी है, सेंट्रल एटम भी क्या रखा है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी रिश कम होगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, लिखो. एज हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन when hybridization
नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सेंट्रल एटम रिमेन सेम। वन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सेंट्रल एटम रिमेन सेम एंड सेंट्रल एटम रिमेन सेम देन विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम देन विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम Then with decrease in electronegativity of surrounding atom, then with decrease in electronegativity of surrounding atom, bond angle is increased. Bond angle क्या होता है? बढ़ता है. With decrease in electronegativity of surrounding atom, bond angle is increased. काहे? कैसे है जरा देखो. देखो फ्लोरीन के एटम छोटे थे तो कम स्पेस में आ गए, क्लोरीन के एटम बड़े हैं दे विल रिक्वायर मोर स्पेस, ब्रोमीन एटम्स आर इवन मोर लार्जर दे विल रिक्वायर इवन मोर स्पेस एंड ऑब्वियसली आयोडीन एटम्स आर लार्जेस्ट इन साइज सो दे विल रिक्वायर लार्जेस्ट स्पेस फॉर गेटिंग ऑक्यूपाइड से सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ये चार वेरिएशंस आपने देखे भैया बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के आपने क्या देखे ये जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है, एस करेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है। दूसरा क्या देखा तुमने, लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल घटता है, हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल घटता है। तीसरा अगला क्या देखा अपन, हाइब्रिडाइजेशन सेम नंबर ऑफ एलपी सेम सेंट्रल एटम भी सेम, जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। से ये बहुत फेवरेट होते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ लेंगे, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछ लेंगे, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपसे पूछ लेंगे। ये जो तीनों आपने पढ़े हैं कल अपने आखिरी में क्या देखे थे, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का, और बॉन्ड एनर्जी हमने देखा है मोस्टली बॉन्ड एनर्जी जो होती है दैट वेरीज इनवर्सली विद बॉन्ड लेंथ से, मोस्टली बॉन्ड एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद बॉन्ड लेंथ दैट ऑल वी हैव सीन। कहिए ये हम लोग देख चुके हैं भैया ना, तो ये तीनों की ऑर्डर और ऑर्डर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री में भर भर के आएंगे भैया, केमिस्ट्री में ही आते हैं वो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ आयनिक उनका आयनिक मूवमेंट, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 200-250 ऑर्डर्स आपको पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। तो सारे ऑर्डर जो हैं वो सारे क्या है आपको याद रखने, और इसमें आपको एक्सेप्शंस खास तौर पे, फिर जैसे अपन ने देखा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी घटती है तो उस बेसिस पर फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पर क्या मिली, पहले क्लोरीन की फिर ब्रोमीन की फिर फ्लोरीन की और फिर आयोडीन की, और अपने ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा था सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की पर मिली क्लोरीन की फिर फ्लोरीन की फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है मतलब ऑर्डर पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी मतलब ऑर्डर पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा ऑर्डर्स आती है और जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ जहाँ अपवाद आते हैं वो आपको याद करने, अपवाद का मतलब ये होगा ना कि हमको ऐसा मिलना चाहिए और हमको वैसा नहीं मिला तो जैसा मिला वो क्यों मिला वो हमको जानना रहेगा। तो ये ऑर्डर्स जितने भी हैं मेरी तो एक इनपुट रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम सबसे बढ़िया क्या काम करो, जितनी ऑर्डर्स तुम्हारे पास आती जा रही हैं उन सबको क्या करो एक अलग से कॉपी में लिखते जाओ, और बार बार बोल रहा हूँ 100 बात की एक बात है, सक्सेस मिलनी है तुम्हारे से, सक्सेस नहीं मिलनी तुम्हारे से, मैंने कुछ नहीं करना किसी ने कुछ नहीं करना, अगर कोई बोलता है कि मैं कर रहा हूँ तो वो गलत बोलता है। मैं फिर वही बात बोलूँगा जो 2 दिन पहले मैंने बोली थी, मैं उसी इंटेंसिटी से उसी डेडिकेशन के साथ में सबको बता रहा हूँ।
बैठने वाला आखिरी में भी बैठा है तो भी पढ़ लेगा, और बैठने वाला अगर आगे बैठा और नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आप जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप खुद के नोट्स बनाओ, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि, और लिखने से याद होता है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे को बहुत काम करेगा। मैं दिन में 10 लोगों से 10 अलग अलग तरह की बात करता हूँ, किन से कैसी कैसी बात हुई है, किस बारे में बात हुई है, मैं अगर उस चीज़ को लिख लेता हूँ तो मुझे वो याद रह जाती है, वरना नहीं रह जाती। तो आप अगर उनको जितनी ऑर्डर्स आई आपके पास में, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर खासतौर पर, आप सारी ऑर्डर्स को याद करो, और एक एक्सेप्शन का आप अलग से पेजेस बनाते जाओ पूरे, और एक्सेप्शन में क्या करो, जो चीज़ थी अपन ने जो सोची थी वो उसको क्रॉस करके फिर अपन लिखो। आप क्रॉस करके करते हो तो आपको नहीं लगता कि याद ज़्यादा होता है उससे? क्योंकि एक हमारी वो एक टेंडेंसी रहती है कि हमने यार ये गलत किया था, हमको मालूम है, उसको हम फिर रेक्टिफाई करते हैं, तो दैट इज़ ईजिली रिमेम्बर्ड। क्या कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? तो जितनी ऑर्डर्स आई उन सबको अलग से याद करो आप, लिखो आप, और जितने एक्सेप्शंस आए उनको आप, और आप सोर्सेस पर डिपेंडेंट मत रहो कोई दूसरे सोर्सेस पर, क्योंकि देखो जिसने जैसी करा है उसने वैसा करा होगा, हम उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करें। ठीक।